नमस्कार, वेरी वॉम वेलकम टू ऑल आर व्यूवर्स एंड लर्नर्स इन दिस लाइव फोनिंग सेशन ऑफ सीआईटी एनसीईआरटी। मैं हूं रेणु भट्ट, आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस लाइव सेशन में जो हम लेकर आए हैं सोशल साइंस के 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन और किस तरह से उसने इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना असर डाला है, ये हम आज के इस सत्र में जानेंगे। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 10 और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हुए हम बढ़ते हैं अपने एक्सपर्ट के पास और आपसे मुलाकात करवाते हैं अपने विशेषज्ञ की जो इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप हैं मिस्टर शंकर प्रसाद शाह, आप पीजीटी इकोनॉमिक्स हैं KV2 कोलाबा मुंबई से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, नमस्कार। और अपने सभी बच्चों से हम कहेंगे कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी आए, कोई सवाल है या फिर जानना चाहते हैं आप ग्लोबलाइजेशन के बारे में और भी ज़्यादा, तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class10@cit.nic.in। इन माध्यमों के साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सवालों के साथ, क्वेरीज के साथ हमसे जुड़े और हमारे विशेषज्ञ से अपने सभी सवालों का जवाब पाए। तो सर हम क्विकली एक जो सेशन है शुरू करेंगे और आपसे बहुत ही ब्रीफ में जानना चाहेंगे कि आज के इस सत्र में आपके पास क्या है हमारे बच्चों के लिए। सर ओके, थैंक यू मैडम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कन्वे माई लव एंड अफेक्शन, नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ पीएम विद्या चैनल। चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, व्हाट आर द न्यू रिफॉर्म पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी, एंड अंडर द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, एंड व्हाट इम्पैक्ट देयर आर ऑन द इंडियन इकोनॉमी। बिफोर इनिशिएटिंग द चैप्टर, हाँ मैडम, श्योर सर, प्लीज कंटिन्यू सर। Before initiating the chapter in details, we should know about the conditions, positions, status of Indian economy before 1991. क्या कंडीशन था, क्या समस्याएं थी, किस कारण से न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी 1991 में इंडिया ने अडॉप्ट किया, इसके बारे में जानना सबसे पहले जरूरी है। नीड्स फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, लो ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। चिल्ड्रेन, ये हमें जानना जरूरी है। इन 1991 और वी कैन से बिफोर 1991, नेशनल इनकम वाज इंक्रीजिंग, ग्रोइंग एट द वेरी लो रेट, रेट ऑफ ओनली 0.8%। दिस वाज द क्रूशियल situation for any economy. Higher inflation, the inflation rate was in that time 16.8% in double digit, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी dangerous और खतरनाक होता है। BOP crisis was to the extent of 10 crores, very low foreign exchange reserves. In that time, India had very low foreign exchange reserves, only $1.8 billion, which was sufficient only for 3 weeks. High fiscal deficit, in that time the fiscal deficit was 7.5% or 7.8%. Dependence upon public sector and private sector, the government of India was fully dependent upon the public sector. Most of them were ill due to corruption and low productivity before 1991. India was a highly indebted country. हमारे देश पर बहुत ज़्यादा कर्ज का बोझ था, यहाँ तक कि 30,000 करोड़ पर ईयर इंटरेस्ट के रूप में भारत को चुकाना पड़ता था। इंडिया हाई डेफिसिट फाइनेंसिंग, एंड इन दैट टाइम द डेफिसिट फाइनेंसिंग वाज अराउंड 3%। दिस वाज द सिचुएशन। सो इंडिया वेंट टू
IBRD and IMF for loan purposes. IBRD and IMF ने इंडिया के सामने एक कंडीशन रखा कि आप टू रिमूव रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर पर जो आप रेस्ट्रिक्शंस लगा कर रखे हैं, पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा आप तवज्जो देते हैं, तो आपको ये रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना होगा. टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी, ये जो क्लोज्ड इकोनॉमी आपने रखा है इसे ओपन करना होगा. टू रिड्यूस रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज में हैं जो कोटा सिस्टम थे, परमिट राज सिस्टम था, लाइसेंसिंग सिस्टम था, जिसके कारण गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा था, उनको भी कम करना होगा. टू रिमूव ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, और ट्रेड पर जो प्रतिबंध लगाए हुए थे, कुछ कुछ कंडीशंस लगाए हुए थे, उस कंडीशन को भी कम करना होगा. इंडिया को चाहिए था उस समय कम से कम $7 बिलियन रेट के रूप में, $7 बिलियन उनको चाहिए था लोन के रूप में. इंडिया ने इस टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद इंडिया हैज अडॉप्टेड न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी NEP 1991. ये NEP 1991 क्या है? इट इज़ ए लॉन्ग टर्म मल्टी डायमेंशनल पैकेज ऑफ वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इसके अंतर्गत मल्टीफेरस एरियाज को लिया जाता है और उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाता है, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिजिकल सेक्टर, सभी के इम्प्रूवमेंट के लिए डेवलपमेंट की बात पॉलिसी बनाई जाती है. क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है NEP 1991 विच वॉज एडॉप्टेड बाई इंडिया इन 1991? तो जैसा कि मैंने नीड्स बताया, रीजन बताया, उस रीजन से ही ऑब्जेक्टिव्स निकल के आते हैं. फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, इसलिए टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आएगा. टू रिड्यूस इन्फ्लेशन रेट, टू रिड्यूस द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, टू ओपन अप द मोर एरियाज फॉर द प्राइवेट सेक्टर्स, टू लिबरलाइज इंडस्ट्रियल पॉलिसी, टू लिबरलाइज फॉरन ट्रेड बाई रिड्यूसिंग टेरिफ ड्यूटीज एंड एबोलिशिंग कोटा सिस्टम, टू इनकरेज इनफ्लो कैपिटल बाय ग्रांटिंग मोर कंसेशन टू FDI फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. नाउ कमिंग टू LPG पॉलिसी. LPG, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन. पहले भी हमारे यहाँ LQP सिस्टम था. LQP सिस्टम, L फॉर लाइसेंसिंग, Q फॉर कोटाज एंड P फॉर परमिट. इसी को रिप्लेस किया LPG पॉलिसी ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ने. जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी था जिसको अडॉप्ट किया 1991 में इंडिया ने, उसको अगर दो भाग में हम बांटें, उसे क्लासीफाई करें, तो दो प्रकार के मेजर्स, दो प्रकार के पैमाना अपनाया गया. एक है स्टेबलाइजेशन मेजर्स, जिसको कि इट रेफर्स टू द शॉर्ट रन मेजर्स, एंड दूसरा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, इट रेफर्स टू द लॉन्ग रन लॉन्ग टर्म मेजर्स. अंडर द स्टेबलाइजेशन मेजर्स करेक्टिंग वीकनेस ऑफ BOP, जैसा आपने देखा कि BOP क्राइसिस था हमारे देश में, उनको करेक्ट करने के लिए ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी इंडिया ने अपनाया. जबकि पाकिस्तान ने 1988 में ही और चाइना ने 1978 में ही LPG पॉलिसी अपना लिया था. चाइना हमसे एक साल बाद आज़ाद हुआ, दो साल बाद आज़ाद हुआ, 49 में आज़ाद हुआ, और उसके बाद भी उन्होंने पहले उसे अडॉप्ट कर लिया, पाकिस्तान ने भी अडॉप्ट कर लिया. हमारे यहाँ इसे अडॉप्ट करने में काफ़ी समय लगा और 1991 में इसे अडॉप्ट किया गया. स्टेबलाइजेशन मेजर्स के अंतर्गत मेंटेनिंग सफिशियंट फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन रेट, ये शॉर्ट रन मेजर्स के अंतर्गत इसे रखा गया. और लॉन्ग रन मेजर्स के अंतर्गत इम्प्रूविंग द इफिशेंसी ऑफ द इकोनॉमी, इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटेटिवनेस बाय रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस. लिबरलाइजेशन, सबसे पहले हम लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का केवल कम से कम डिफिनेशन जान लें, तब हम ज़्यादा इम्फेसिस करेंगे ग्लोबलाइजेशन पर. व्हाट इज लिबरलाइजेशन? इट मीन्स रिमूविंग ऑल अननेसेसरीली कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस लाइक परमिट्स, लाइसेंसेस, कोटा एक्सेट्रा इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट.
और इसके अंतर्गत क्या 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 जाता है, किस प्रकार के रिफॉर्म्स को अपनाए जाते हैं। यह है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। इन रिफॉर्म्स के माध्यम से लिबरलाइजेशन में जितने प्रकार के वो रेस्ट्रिक्शंस थे हमारे यहाँ, उस लिबरलाइजेशन के अंतर्गत उसे दूर किया गया। प्राइवेटाइजेशन ये एक प्रकार से डिस इन्वेस्टमेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। डिस इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज डिस इन्वेस्टमेंट? तो प्राइवेटाइजेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ ए फंक्शन, एक्टिविटीज और ऑनरशिप फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। या हम यूं कहें, इट इज डिस इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज अ डिस इन्वेस्टमेंट? इट इज सेल ऑफ ए पार्ट ऑफ इक्विटी होल्डिंग्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इन एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू द प्राइवेट सेक्टर। कमिंग टू ग्लोबलाइजेशन, दिस इज द मेन पॉइंट, फोकस पॉइंट फॉर टूडेज क्लास। ग्लोबलाइजेशन इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। पहले जो क्लोज इकोनॉमी था, क्लोज्ड इकोनॉमी, उसे ओपन अप कर दिया गया और उसे वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ा गया, क्योंकि ये कहा जाता है कि द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1991 बिकॉज बॉर्डर्स कैन नॉट बी क्लोज्ड एंड फ्लोज कैन नॉट बी स्टॉप एंड आइडियाज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द मोटिवेटिंग पीपल। इस उद्देश्य के साथ ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया। इट इज द आउटकम्स ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। इसके तीन कंपोनेंट हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन का एक प्रकार से ये आउटकम्स है, रिजल्ट है, कंसिक्वेंसेस है ग्लोबलाइजेशन। इसके अंतर्गत ये चार जो पैरामीटर्स है, इंटरनेशनल फ्लो, फ्री फ्लो, ये चार पैरामीटर को अपनाया जाता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हम इसे कहें फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्री फ्लो ऑफ लेबर, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया में ग्लोबलाइजेशन को मजबूती देता है और ग्लोबलाइजेशन को इंडिया ने उसे अपनाया। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लिबरलाइज कर दिया गया, इससे एक बल मिलता है ग्लोबलाइजेशन को इंडिया में। पॉलिसीज टू ईज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इंडिया में FDI आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, इसके लिए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो हमारे यहाँ कंपनियाँ हमारे यहाँ आ पाएँ, इसके लिए भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिए गए। गुड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन इंडिया, भारत में एक शांति पीसफुल सिचुएशन है, गुड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, यहाँ ग्लोबलाइजेशन को इसके लिए बल मिलेगा, बल मिलता है। अवेबिलिटी ऑफ चीप स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर, हमारे यहाँ क्योंकि इंडिया इज ए सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, हमारे यहाँ चीप रेट पर स्किल और अनस्किल्ड दोनों प्रकार के लेबर अवेलेबल हैं। वेल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, अवेबिलिटी ऑफ मार्केट्स, अवेबिलिटी ऑफ द चीप रॉ मटेरियल्स। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNCs, इट इज ए कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, एक नेशन से दूसरे नेशन में ये अपना कंट्रोल और प्रोडक्शन को पर अपना स्वामित्व रखता है और ये इन्वेस्ट करता है दूसरे कंट्री में भी जाकर, और इसलिए ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत इसका एक अहम रोल होता है। ग्लोबलाइजेशन के लिए कहा जाता है कि इसके क्या, इसके पक्ष में हम क्या तर्क दे सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या फायदे होते हैं और क्या हो सकते हैं। तो आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड पैटर्न्स, रेज फॉरेन कैपिटल, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, राइज इन एम्प्लॉयमेंट, राइज इन बैंकिंग एंड फॉरेन सेक्टर एफिशिएंसी, रिड्यूस पॉवर्टी, एनहांस इंटीग्रेशन, एक्सेलरेट ह्यूमन डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजिंग टेक्नोलॉजी, ये आर्गूमेंट दिए जाते हैं ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में। कुछ आर्गूमेंट ऐसे भी हैं जो ग्लोबलाइजेशन के विरुद्ध में हैं, वो क्या है? तो वो है पब्लिक एम्प्लॉयज आर वर्स ऑफ, सरकारी नौकरी का अभाव हो जाता है, प्राइवेट नौकरी और वो भी टेम्प्रोरी नौकरी, वो एक परमानेंट नौकरी की तरह नहीं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत, फ्लेक्सिबली ये पॉलिसी के अंतर्गत एम्प्लॉय को रखा जाता है। माउंटिंग स्ट्राइक्स, डिवास्टेशन ऑफ लोकल प्रोड्यूसर्स, स्मॉल बिजनेस आर एडवर्सली अफेक्टेड। तो इस प्रकार से वैसे ग्लोबलाइजेशन के विपक्ष में तर्क बहुत कम है,
पक्ष में ही तर्क ज़्यादा है। इससे किस कंट्री को, कैसे कंट्री को ज़्यादा फायदा होता है, वैसे तो ये डेवलप कंट्री को ज़्यादा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से फायदा होता है डेवलपिंग कंट्री के तुलना में, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि आने वाला समय बताएगा कि वास्तव में पूरे वर्ल्ड लेवल पर, चूंकि इसका नाम ही वैश्वीकरण पॉलिसी जो है, पूरे वर्ल्ड में सभी प्रकार के कंट्रीज को, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री रहे या नहीं तो वो डेवलप कंट्रीज, तो सबको समान रूप से तो खैर फायदा नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन कमोबेश दोनों प्रकार के कंट्री को इससे फायदे होते हैं। मैन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैसिलिटिंग ग्लोबलाइजेशन, ये जो ब्रेटन BWI ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसे ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है, ट्विंस में IMF और IBRD आता है, ये WBI ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IBRD जिसे वर्ल्ड बैंक भी हम कहते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये IMF IBRD को ट्विंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों का जन्म एक साथ हुआ है, एक सम्मेलन हुआ 1944 में ब्रिटेन उस नामक स्थान पर, और वहाँ ही जन्म हुआ दोनों का, IMF और IBRD का। कमिंग टू IMF, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड एट ब्रिटेन वुड्स कन्फ्रेंस हेल्ड इन जुलाई 1944, इट केम इन टू ऑफिशियल एग्जिस्टेंस ऑन December 27, 1945। और ये करता क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, इट हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग द एक्सपेंशन एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ कमिंग टू IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज वर्ल्ड बैंक, इट वॉज ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड इन ब्रिटेन कॉन्फ्रेंस इन जुलाई 1944, जैसे कि मैंने आपको कहा। इट केम इन टू ऑफिशियल एक्सिस्टेंस इन जुलाई 1946 एंड इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, इट हेल्प्स इन इन्वेस्टिंग इन बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स, इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग सोशल डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से ये ब्रेटन वुड ट्विंस जो है, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसे जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इट इज ए परमानेंट वॉच डॉग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। WTO के इस्टेब्लिशमेंट के पहले ये काम कौन करता था, ये काम गेट करता था, GATT द जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड, जिसकी स्थापना 1947 में हुई और उस समय 23 कंट्रीज ने साइन किया गेट पर, लेकिन 1991 आते आते 118 कंट्रीज इसके मेंबर हो गए। इट वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ इंडिया वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ गेट, इंडिया जो फाउंडर मेंबर गेट का था। तो WTO की स्थापना 1995 में हुई। इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन मेंबर कंट्रीज बाय एंश्योरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट। ये जो तरह तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, उस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन पैदा हो, और जो भी मेंबर कंट्री इसके हैं उस मेंबर कंट्री में स्टेबिलिटी आए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़े, ये इनका ऑब्जेक्टिव है WTO का। टू डेवलप एन इंटीग्रेटेड एंड ड्यूरेबल मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम, टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन मेंबर कंट्रीज बाय ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है जिस कंट्री में, मेंबर कंट्री में, उसका ऑप्टिमल यूज कैसे होगा, अधिक से अधिक यूज करके उससे हम अधिक से अधिक पूरे वर्ल्ड लेवल पर सभी कंट्री को कैसे फायदे होंगे, ये इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से इसको देखने का काम WTO का है। टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज टू गेट ए शेयर इन द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, टू रिड्यूस टेरिफ एंड नॉन टेरिफ बैरियर्स, ये मुख्य रूप से इसका मेन फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO है, टू रिड्यूस टेरिफ एंड नॉन टेरिफ बैरियर्स, टू एंश्योर लिंकेजेस बिटवीन ट्रेड पॉलिसीज। हियर लेट मी टेल यू दैट वी हैव ओनली 2 मोर मिनट्स लेफ्ट फॉर दिस सेशन सर। या मैडम, कंप्लीट हो जाएगा मैडम। तो आई डिस्कस अर्लियर अबाउट द फंक्शंस ऑफ द WTO, नाउ कमिंग टू अचीवमेंट्स ऑफ LPG पॉलिसी। LPG पॉलिसी का क्या अचीवमेंट रहा,
राइज इन जीडीपी, जीडीपी में वृद्धि हुई है, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी वृद्धि हुई है, राइज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, राइज इन इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, राइज इन कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, कंट्रोल ऑन फिजिकल डेफिसिट, जो इनके मेन रीजन्स थे जिसके कारण इसे अपनाया गया था, उन सब चीज़ों पर बहुत हद तक अंकुश लगा है। लेकिन इसके साथ साथ इसके क्रिटिसिज्म भी होते हैं। वो क्रिटिसिज्म क्या है WTO का? देखिए, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया हैव एक्सपीरियंस लॉस ऑफ ऑटोनॉमी इन पॉलिसी मेकिंग। ये अभी जो मैंने कहा कि जो डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, दोनों को समान रूप से हिस्सेदारी या समान रूप से फायदे WTO से या LPG पॉलिसी से नहीं हो रहा है, वो उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। द WTO हैज ओवरलोडेड एग्रीमेंट्स विद ए बिल्ट इन एजेंडा एंड हार्श टर्म्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू एडजस्ट टू। इट इज आर्ग्यूड दैट द WTO एजेंडा इज शेप्ड, पेस्ड एंड ड्राइवन बाय द US, European Union and other developed countries. Thank you, madam. Thank you so very much for your detailed information on globalization and the Indian economy. मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी बच्चों को सर ये सेशन बहुत बहुत पसंद आया होगा, उन्हें काफ़ी कुछ जानने सीखने को मिला होगा। आप हमसे जुड़े सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। यहाँ पर अपने सभी देखने वालों को हम कहेंगे इस सत्र हम वाइंड अप करें उससे पहले कुछ ज़रूरी बात जो आपके साथ साझा करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 से 7 जनवरी तक स्कूली बच्चों में कला के प्रसार हेतु एक पहल की जा रही है जिसका नाम है कला उत्सव, और ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ भुवनेश्वरा NCERT में आयोजित किया जा रहा है जाएगा, और स्कूली बच्चे इसमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएंगे। क्या है कला उत्सव, एक छोटी सी झलक देखते हैं जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा। सात सुरों की एक सरगम गूंज रही है स्कूलों में, सात सुरों की एक सरगम घुंघरु बन गए पैरों में, नाचो आज छमा चम चम, घुंघरु बन गए पैरों में, नाचो आज छमा चम चम, खिलौने बनाओ चित्र बनाओ, खिलौने बनाओ चित्र बनाओ, नाट्य कला के सभी प्रांतों की संस्कृति को सब तक पहुंचाओ, रंगों की दुनिया बसाओ, अपने देश के सभी प्रांतों की संस्कृति को सब तक पहुंचाओ। कैसे? कला उत्सव, कला उत्सव। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से दिनांक 3 से 7 जनवरी 2023 तक NCERT द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है कला उत्सव। कला उत्सव, कला उत्सव। तो अभी आप देख रहे थे कला उत्सव की एक झलक, आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो गया होगा। आप इस आयोजन को सफल बना सकते हैं अपने प्रेजेंस से, और आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं हमारे सभी चैनलों पर, ई विद्या चैनल पर भी और हमारे NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी। अभी एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंटरैक्टिव फोन इन प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।